केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक फर्जी वीडियो के जरिए बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ये मामला चुनाव के बीच आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा है, इसीलिए इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करके वीडियो को वायरल करने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। अमित शाह के खिलाफ किसकी साजिश, क्या है एडिटेड वीडियो की सच्चाई? एफआईआर दर्ज, आरोपियों की तलाश में पुलिस। चुनावी महासमर के बीच वायरल हुए इस एडिटेड वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा था, इसलिए बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। बीजेपी के अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का ये फर्जी वीडियो वायरल किया है। तेलंगाना कांग्रेस एक एडिटेड वीडियो फैला रही है जो पूरी तरह से फर्जी है और इससे बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने एससी एसटी और ओबीसी का हिस्सा कम करने के बाद धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिए गए संवैधानिक आरक्षण को हटाने की बात कही। इस फर्जी वीडियो को कई कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पोस्ट किया है जिसमें आसमा तस्लीम और अन्य शामिल है। उन्हें कानूनी नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्स और फेसबुक को लेटर लिखा है और पूछा है कि एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। उधर आरक्षण के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। कैसा माहौल है देश भर में भैया? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग है ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? एससी एसटी ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी एसटी ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी एसटी ओबीसी नीति है। आरक्षण पर वायरल एडिटेड वीडियो को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपना रिएक्शन दिया है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी धरपकड़ तेज कर दी है और उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए फर्जी वीडियो को वायरल किया है। तो वहीं कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता सरस्वती सरकार पर हमले के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। कोलकाता दक्षिण सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवाश्री चौधरी कई कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता के आनंदपुर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और इस दौरान उन्होंने कसम खाई कि वो कोलकाता को संदेश खाली नहीं बनने देंगी। रात भर बीजेपी के कार्यकर्ता थाने के बाहर प्रदर्शन करते रहे। कोलकाता में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। थाने के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की पिटाई के आरोप को लेकर प्रदर्शन। हंगामे की ये तस्वीरें कोलकाता के आनंदपुर थाने के सामने की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा। मौका था टीएमसी सरकार और पुलिस प्रशासन के विरोध का, तो वहां टायर भी जलाए गए और जमकर नारेबाजी भी की गई। दरअसल ये पूरा हंगामा प्रदर्शन बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सरस्वती सरकार की पिटाई के विरोध में किया गया।
आरोप है कि दो दिन पहले जब बीजेपी कार्यकर्ता सरस्वती सरकार कोलकाता दक्षिण इलाके में बीजेपी के पोस्टर चिपका रही थी, तभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। इसकी शिकायत पुलिस से की गई। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत पर कोई वाजिब एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद पुलिस के इस रवैये पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और कोलकाता दक्षिण सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवाश्री चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक हुजूम कोलकाता के आनंदपुर थाने के सामने पहुंच गया। उसके बाद वहां कुछ ऐसा मंजर नजर आया, बीजेपी का हर कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। वहां मौजूद कार्यकर्ता गुस्से में टायर जलाने लगे। कोलकाता के आनंदपुर थाने के सामने देर रात तक ऐसे ही प्रदर्शन होता रहा। बीजेपी नेता देवाश्री चौधरी थाने के बाहर धरने पर बैठी नजर आई। इस दौरान उन्होंने कसम खाई कि वो कोलकाता को संदेश खाली नहीं बनने देंगी। आमी बोले दिए छी जदि अरेस्ट ना करें, ओरा बोलछे आमरा जेहेतु एफआईआर लिखे फेलेछि 307 लगाय बा अवेलेबल सेक्शन लगाय, ठीक आछे। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। उस वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता सरस्वती सरकार लहूलुहान नजर आई। चोट की वजह से सरस्वती सरकार तड़पती दिखी। अपने ट्वीट में वीडियो शेयर करने के साथ साथ अमित मालवीय ने ममता सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के दक्षिण कोलकाता में कस्बा मंडल अध्यक्ष सरस्वती सरकार पर टीएमसी के गुंडों ने हमला बोल दिया। बंगाल की गृह मंत्री के रूप में ममता बनर्जी खुद एक बड़ी आपदा है। अमित मालवीय ने यह भी लिखा कि अगर कोलकाता शहर में कोई सुरक्षित नहीं तो संदेश खाली में हालात कैसे होंगे। बंगाल की जनता इस अत्याचार का जवाब इस बार ममता सरकार को जरूर देगी। इस वीडियो के शेयर करने और बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद अमित मालवीय ने दावा किया कि दबाव में आकर कोलकाता पुलिस ने घुटने टेक दिए और उसने आरोपी टीएमसी नेताओं पर एक्शन लेने का वादा किया है। यही नहीं, बीजेपी के मुताबिक अगर पुलिस अपने वादे से मुकरी तो वो चुनाव आयोग जाएगी। तो दो चरणों में मतदान के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती दे रहा है। जानकारों के मुताबिक इस बार पीएम मोदी ने दक्षिण के 5 राज्यों में ऐसा खेला करने की कोशिश की है जो इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ सकता है, और ऐसे में सवाल है कि क्या तीसरे चरण से पहले दो चरणों के रुझान बनी हुई बाजी को पलट सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, उसी से गठबंधन करती है। महज दो चरण के चुनाव में ही एनडीए और इंडिया गठबंधन ने मुद्दों से लेकर आरोपों की झड़ी लगा रखी है। एनडीए जहां दावा कर रहा है कि हमने दो चरण में दक्षिण में बाजी पलट दी है, तो वहीं दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन दो चरण के चुनाव के बाद उत्तर में फंसा नजर आ रहा है। इन दो तस्वीरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की चाल क्या बता रही है। दक्षिण में पीएम मोदी शुरू से ही जोर लगा रहे हैं। 129 लोकसभा सीटों वाले दक्षिण के 5 राज्यों में बीजेपी ने बहुत कुछ दांव पर लगाया है, तो वहीं दक्षिण में खुद को मजबूत समझने वाले इंडिया गठबंधन उत्तर में फंसता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको आज यही बताने जा रहे हैं दक्षिण में बीजेपी क्या खेला करने जा रही है। दक्षिण में पलटीबाजी, दो चरण में कौन आगे। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच 7 चरण के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, उसने 24 के लोकसभा चुनाव को बेहद दिलचस्प और कांटे का बना दिया है। एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी की बात करें तो अभी तक उनकी टक्कर का प्रचार किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं किया है। 400 प्लस का मिशन लेकर चल रहे पीएम मोदी ने जिस तरह से दक्षिण भारत पर फोकस किया है, उससे साफ लग रहा है कि पीएम मोदी को अंदाजा है कि अगर दक्षिण की 129 लोकसभा सीटों पर जमकर मेहनत की जाए तो बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिल सकता है। कर्नाटक के बेलगावी में पीएम मोदी ने औरंगजेब के बहाने इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला किया है।
भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन दक्षिण भारत में मजबूत नहीं माना जाता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही दक्षिण राज्यों को फोकस किया है, वो मोदी के दक्षिण मिशन का बहुत ही सोचा समझा प्लान है। अगर आप पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो उत्तर भारत का हिस्सा भगवा नजर आएगा, लेकिन बीजेपी की गाड़ी दक्षिण भारत के राज्यों में रुक जाती है। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं कि दक्षिणी राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। सिर्फ कर्नाटक को छोड़कर इस राज्य में पार्टी को सफलता जरूर मिली है। बीजेपी कर्नाटक की ही तर्ज पर पूरे दक्षिण भारत की 129 सीटों पर अपनी रणनीति बना चुकी है। बीजेपी की नजर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल पर लगी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी और पीएम मोदी कांग्रेस, राहुल और लेफ्ट के नेताओं पर मुस्लिम परस्ती पीएफआई के समर्थन जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। वही कांग्रेस के जो है जिसने वोट के लिए पीएफआई, जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश विरोधी संगठन, जिस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का चुनाव में मदद करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए वायनाड में एक सीट जीतने के लिए आप उसको सरेंडर कर रहे हो, उनके कारनामों का बचाव कर रहे हो। दक्षिण पर पीएम मोदी के फोकस होने की कई वजह है। दक्षिण भारत के इन पांच राज्यों में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं। 2019 में भाजपा को इसमें से 29 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार एनडीए कर्नाटक के 28 सीटों पर पूरी तरह से सफाया करना चाहती है, जबकि तेलंगाना की 17 सीटों पर भी बड़ा उलटफेर करने की फिराक में है। आंध्र प्रदेश में भी 2019 की तुलना में 25 सीटों पर कुछ उलटफेर बीजेपी कर सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तमिलनाडु में अन्नामलाई को मजबूत करके 39 सीटों पर बड़ी सेंध लगाने की कोशिश में है बीजेपी। केरल की 20 सीटों पर बीजेपी ने पहली बार आक्रामक तरीके से प्रचार किया है और यहां कांग्रेस को अच्छी तरह से घेरा है। आपने जो बचाया है, अगर बच्चों को देना है तो 55% 55% उस पर टैक्स लेकर के सरकार वो छीन लेगी। मतलब दो मकान है तो एक कांग्रेस की सरकार की जेब में और दूसरे से अपने दो बच्चों को बांट के दो। अपनी वोट बैंक को बांटने के लिए ये आपकी संपत्ति पर डाका डालना चाहते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रचार अभियानों में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी एनडीए का सघन अभियान जिसे पीएम मोदी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन जो अब तक कैंपेन में जुटना तो दूर, वो अब भी बिखरे तिनकों के समान नजर आ रहा है, जिसे समेटना अब असंभव नजर आने लगा है। पीएम मोदी जिस शिद्दत से अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वोट मांग रहे हैं, वो भी एक मिसाल ही है। विपक्ष जिन मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहा है, उन्हीं मुद्दों पर बीजेपी अब पलटवार कर रही है। राहुल के तेवर तल्खी अंदाज को भी बीजेपी मुद्दा बना रही है। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है।
जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे, उसके बावजूद भी ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो सब भूल करके उनके घर गए। और इन्होंने क्या किया, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाई जो बहनों, भारत के लोकसभा चुनाव का प्रचार तेजी से विदेशी मीडिया में छाता जा रहा है, जरा देखिए कैसे। पीएम मोदी पूरब से पश्चिम तक के अखबार और उत्तर से दक्षिण तक भारत की मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहे, बल्कि विदेशी पत्रिका न्यूज वीक के कवर पर आने वाले पीएम भी बन गए हैं। इंदिरा गांधी के बाद इस पत्रिका के कवर पर आने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस पत्रिका को दिए ताजा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि आम तौर पर 10 सालों में दुनिया में कोई भी सरकार हो एंटी इनकम्बेंसी जरूर नजर आती है, लेकिन भारत इसमें अपवाद है क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने को आए हैं, पर दुनिया से अलग यहां पीएम मोदी के लिए जन समर्थन बढ़ा है। पीएम मोदी की ये आउटरीच बिल गेट्स के साथ उनके संवाद में साफ नजर आई, जब दोनों ने भारत की विकसित टेक्नोलॉजी पर आधारित सस्टेन डेवलपमेंट पर खूब चर्चा की। दुनिया भर में यही संदेश गया कि चाहे लाख संपादकीय लिखो लेकिन सब पीएम मोदी का लोहा मानने लगे हैं। वो अपनी सरकार के किए कामकाज का लेखा जोखा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, रैलियां और रोड शो की संख्या बढ़ती जा रही है। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग, अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़कर ये घर चले जाओ। कुल मिलाकर पीएम मोदी का मिशन दक्षिण दो चरण के चुनाव के बाद अब और तेज होता जा रहा है। अब देखना होगा तीसरे चरण में एनडीए और इंडिया का